हेलो एवरीवन, नीट बायोलॉजी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। आज का टॉपिक है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स बिहेविंग एज अ यूनिट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जर्म लेयर्स जो हैं कोशिकाओं की वे समूह हैं जो एक इकाई की भांति काम करती हैं जब जंतुओं का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि उनका भ्रूण बन रहा होता है। भ्रूण बनते समय जर्म लेयर्स गैस्ट्रुला स्टेज में दिखाई देती हैं। जर्म लेयर्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इन्हीं जर्म लेयर्स से एक एम्ब्रियो के अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, मतलब अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है जिससे शरीर बनती है बाद में। तो जर्म लेयर्स के अनुसार एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में दो अलग अलग जर्म लेयर्स होती हैं। जो बाहरी जर्म लेयर है उसे एक्टोडर्म और जो आंतरिक जर्म लेयर है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। प्रोटोजोआ में तो जर्म लेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता। पोरीफेरा में भी कुछ हद तक जर्म लेयर्स होती हैं, उन्हें भी डिप्लोब्लास्टिक माना जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी उनका शरीर दो लेयर से बना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मतलब उनका शरीर तीन लेयर से बना होगा। तीन लेयर्स में आप दो लेयर पहले से जान रहे हैं, बाहरी लेयर एक्टोडर्म्स और आंतरिक लेयर एंडोडर्म। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक लेयर और आ जाती है इन दोनों के बीच में और बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म की सेल्स से बनती है, तो उसका नाम है मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब मध्य में। आपको अगर इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।